सो गाइस पिक्सल एक्सपीरियंस यहाँ पर इस रोम का नाम सुन के आपके दिलों की धड़कनें तो ज़रूर तेज हो जाती होंगी, बिकॉज ये रोम एक ऐसी रोम है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग है। सभी रोम से बिल्कुल स्टेबल मिलती है परफॉर्मेंस, आपको बिल्कुल धांसू एक नंबर देखने को मिलता है। सो आज हम इसी रोम के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इसे K20 Pro हमारा जो फ्लैगशिप डिवाइस था पिछले साल का, उसमें कैसे यहाँ पर इंस्टॉल करना है, क्या क्या आपको मेजर बग्स देखने को मिलते हैं एंड क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बिकॉज वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस दिस इज विजय एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइज़ यहाँ पर वीडियो डिवाइडेड है तीन कैटेगरी में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, सेकंड में हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बग्स के बारे में, एंड थर्ड में हम बात करेंगे इंस्टॉल कैसे करना है इसके बारे में। सो बिकॉज यहाँ पर सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको लगता है सूटेबल है आपके लिए तभी इंस्टॉल करना चाहिए। सो अभी हम बढ़ते अपने फर्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है यहाँ पर फीचर्स। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर बात करें इसके लुक की, तो आपको यहाँ पर टोटल पिक्सल एक्सपीरियंस लुक देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ यहाँ पर आपके जितने भी मूवमेंट्स वगैरह, आप चाहे ऐप ड्रॉअर खोलें, चाहे आप यहाँ पर से नोटिफिकेशन पैनल खोलें, सारी चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बटरी स्मूथ है। यहाँ पर कोई भी आपको लैग वगैरह या कोई भी ऐसा ग्लिच वगैरह देखने को फेस नहीं करेंगे। एंड बात करें नोटिफिकेशन बार की, तो आपको नोटिफिकेशन बार बिल्कुल आपको यहाँ पर एंड्रॉइड पिक्सल जैसा देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर हम वाईफाई एंड हॉटस्पॉट एक साथ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट दोनों एक साथ वर्क करता है, यहाँ पर कोई भी जो है दिक्कत नहीं आती। इसमें आपको मैं ऑन करके भी दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई भी ऑन है, हमारा हॉटस्पॉट भी ऑन है, सो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम चलते हैं अभी पहले सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन हमें मिल जाता है लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 10, एंड उसी के साथ हमें यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच लेवल में वो मिलता है 5 मार्च 2020 का, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। एंड गूगल प्ले सिस्टम के सारे पैच वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कर्नल आपको इमेंसिटी का कर्नल देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है इस डिवाइस का। कोई भी लैग वगैरह गेमिंग के दौरान, चाहे परफॉर्मेंस या ऐप यूज़ कर रहे हो उसके दौरान, कोई भी यहाँ पर लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। एंड उसके बाद यहाँ पर बात करें अगर हम ऐप्स की, तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बिल्कुल कम, बहुत कम, एक या दो मे बी तीन लाइन होंगी ज़्यादा ज़्यादा, उससे ज़्यादा आपको ऐप्स देखने को नहीं मिलते हैं। एंड प्री इंस्टॉल्ड आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिलता है, एंड कैमरा की मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पर जो MIUI का कैमरा देखने को मिलता है बिना कोई फाइल को इंस्टॉल किए। आपको सिंपली अपने जो ये पिक्सल फाइल है उसे फ्लैश करना है, आपको कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन द गो, मतलब आपको ऑलरेडी इस रोम के साथ मिल जाता है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें वर्क कर रही है, 48 मेगापिक्सल वर्क कर रहा है, वीडियो वर्क कर रहा है, एंड फोटो में आपके यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल भी यहाँ पर जो है वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है, बट यहाँ पर व्लॉग मोड का ऑप्शन जो कि हमें लेटेस्ट MIUI वर्जन में देखने को मिला था वो अभी नहीं है, मे बी आने वाले अपडेट में उसे प्रोवाइड कर दें। एंड इवन यहाँ पर स्लो मोशन की बात करें तो स्लो मोशन भी वर्क करता है, 960 में वर्क करता है, 120 में वर्क करता है, एंड 240 में यहाँ पर वर्क करता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कैमरा की, तो सारा आपको कैमरा एज इट इज़ मिल जाता है, जैसा आपको आपके K20 Pro में MIUI स्टॉक रूम में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें ऐप्स की, तो यहाँ पर आपको गिने चुने ऐप्स मिलते हैं, एंड बाकी सारे ऐप्स मैंने यहाँ पर कुछ इंस्टॉल कर दिए, इसे डेली ड्राइवर रोम यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर बात करें गूगल पे वगैरह या कोई पेमेंट्स ऐप वगैरह वर्क करता है कि नहीं करता है, सो यहाँ पर मैंने मैजेस वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं किया, बट गूगल पे जो है अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने पेमेंट वगैरह भी करके देखा, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे बिल्कुल यहाँ पर ढिंचक झक्कास तरीके से वर्क करता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में बात करें यहाँ पर सारी चीज़ों की, वाईफाई वर्क करता है, ब्लूटूथ वर्क करता है, वोल्टी आपका वर्क करता है, एंड कॉलिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, बैटरी आपका अच्छा खासा चल रहा है, बैटरी के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जो है एमोलेड स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप ऑन करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को ऑफ करेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस टाइप की साधारण सी स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर बखूबी बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता है जब आप हल्के से टच करेंगे, जब थोड़ा सा थोड़ी देर आपको यहाँ पर रख के पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पर ऑन द गो बिल्कुल इंस्टेंट जो है अनलॉक कर देता है। इसके साथ आपको यहाँ पर डार्क मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जितने भी ऐप सपोर्ट करते हैं डार्क मोड को वो भी इसके साथ वर्क करते हैं। एंड यहाँ पर ये है पिक्सल
एक्सपीरियंस प्लस रोम। सो यहाँ पर पिक्सल प्लस के कुछ एडिशनल फीचर है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बता दी है दोनों में डिफरेंस क्या है, उस वीडियो को यहाँ पर आप आई बटन में क्लिक करके देखिए जरूर। इवन यहाँ पर जो है फास्ट चार्जिंग जो है इसके साथ वर्क करता है, आपको जो 27 वॉट का चार्जर मिलता है वो अच्छे से वर्क करता है, ऑलमोस्ट अराउंड एक डेढ़ या दो घंटे में फुली चार्ज कर देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, बहुत बार लाइक हाई बिल्कुल हाई यूसेज पे यूज़ किया है एंड लो यूसेज पे मॉडरेट यूसेज पे यूज़ किया है, तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी कमाल देखने मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5% बैटरी रिमेनिंग एंड पबजी वगैरह खेला है, व्हाट्सएप यूज़ किया है, इंस्टाग्राम यूज़ किया है, यूट्यूब वगैरह यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है 6 आवर 44 मिनट का देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम बात करें दूसरे केस में तो यहाँ पर 18% में आपका 2 आवर्स 20 मिनट का पबजी टाइम यूज़ हुआ है एंड इंस्टाग्राम यूज़ हुआ है, यूट्यूब यूज़ हुआ है, एंड यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम जो मिलता है वो 6 आवर्स का मिल जाता है, प्लस 18% बैटरी स्टिल रिमेनिंग है। बैटरी के मामले में काफ़ी कमाल रोम है, पिक्सल के जितने भी यहाँ पर बिल्ड निकलते हैं सब में बैटरी बैकअप आपको कमाल देखने को मिल जाता है। अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें सिक्योरिटी में, तो आपको स्मार्ट लॉक में स्टिल यहाँ पर जो है फेस रिकॉग्नाइज फेस अनलॉक का ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलता है। एंड उसके बाद चलते हैं सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे एक फ्रंट कैमरा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप कुछ टोन्स वगैरह जो है फ्रंट कैमरा जब भी ओपन होगा कौन सा आपको म्यूजिक लगाना है तो वो आप यहाँ पर से लगा सकते हैं। प्लस स्टेटस बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एंड इवन बटन्स में आपको यहाँ पर 3-बटन नेविगेशन या फुल स्क्रीन जेस्चर या 2-बटन नेविगेशन जैसा आपको चाहिए आपको यहाँ पर से मिल सकता है। प्लस आपको यहाँ पर और कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पिक्सल प्लस रोम में आपको देखने को मिलेंगे, पिक्सल रोम में ये सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर सिस्टम अपडेट की, तो जितने भी सिस्टम अपडेट आएंगे आपको यहाँ पर शो कर देंगे। सो गाइस नाउ यहाँ पर बढ़ते अपने सेकंड कैटेगरी की तरफ, यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें आने वाले बग्स के बारे में। सबसे पहला बग जो कि मेजर बग है वो मैं बोलूंगा यहाँ पर आपका माइक्रोफोन का बग है। यहाँ पर जब भी आप पबजी वगैरह यूज कर रहे होते हैं, लाइक पबजी खेलते हैं, तो यहाँ पर जो आपका माइक्रोफोन का ग्लिच हो जाता है, ग्लिच नहीं होता बेसिकली ये बग है इस रोम में। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भी साउंड है वो बहुत कम जाता है। अगर आप नॉर्मली बिना ईयरफोन के खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब आप ईयरफोन लगाते हैं तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, सामने वाले को आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। एंड इवन यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोटिस की, अगर आप माइक्रोफोन यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन में हीटिंग और ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर इसलिए मैं माइक्रोफोन को यूज़ ही नहीं करता हूँ। ये बग मेजर है, आई होप सो कि आने वाले अपडेट्स में इसको सुधार दे, बिकॉज यहाँ पर जो भी पबजी वगैरह खेलते हैं उनके लिए परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पर अगर ऐसा माइक का बग होगा तो मे बी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज कॉल वगैरह देने के लिए यहाँ पर जो है हमें माइक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो दूसरा बग है वो है कैरियर वीडियो कॉलिंग में। यहाँ पर आपको ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग तो देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जब भी आप वोल्टी टू वोल्टी मतलब जियो टू जियो कॉल करेंगे, एयरटेल टू एल जिसमें भी वोल्टी सपोर्ट करता है, तो वो यहाँ पर जो कॉल है वो नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो तीसरा बग है वो है माइक से रिलेटेड, जब भी आप ईयरफोन लगाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ आती है ईयरफोन से, आपने मतलब वॉल्यूम कम भी रखी होगी तो एकदम से आपको बिल्कुल लाउड वॉल्यूम आएगी एंड उसके बाद कम हो जाएगी देन लाउड होगी। एक और बग यहाँ पर ये है कि समटाइम जब हमारा जो कॉल वगैरह किसी का आ रहा होता है, अगर आपने कोई रिंगटोन लगाई है अपने पसंद की फाइल मैनेजर से, तो वो रिंगटोन स्पीकर से ना बच के आपके ईयरपीस से बजती है जिससे वो आवाज़ आती नहीं है। ये बहुत बार तो नहीं, एक दो बार मेरे साथ हो चुका है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, लाइक 90% नहीं होता है, 10% कभी कभी हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बग की बात करें तो फ्रंट कैमरा मेरे को लगा है कि थोड़ा सा यहाँ पर स्लो वर्क करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा ऑन करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि स्लो यहाँ पर ऊपर नीचे करता है। मैंने प्रेस किया है उसके मतलब 2 सेकंड ले लेता है उसको खोलने के लिए एंड देन दोबारा अंदर जाने के लिए। ये बग भी मे भी आने वाले अपडेट के साथ इसे भी सुधारा जा सकता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके K20 Pro के बारे में है, वो आपको पता बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके फ़ोन में यहाँ पर दो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने मिलते हैं, एक तो नॉर्मली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, बट एक और जो छुपा फिंगरप्रिंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से भी आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पर से भी अनलॉक कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जब भी आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो ये फेस फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन जो है यहाँ से मूव करके यहाँ चल जाता है, जब आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक नहीं होता है। ये भी एक बग है, ये बस जब होता है तब आप जब लैंडस्केप मोड में कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हो या मैं पबजी खेलते टाइम ही मेरे को ये फेस किया है, बाकी अदर टाइम्स ये कोई भी अभी तक मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आई। प्लस यहाँ पर कभी कभी जब भी आप पबजी वगैरह खेल रहे हो एंड आपने अपना ईयरफोन लगाया हो बाद में, तो यहाँ पर क्या होता है आपको आवाज़ नहीं आती है। आवाज़ लाने के लिए आपको वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ानी या कम करनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पर अच्छे से वर्क करता है, बट जब आपने स्टार्टिंग में लगाया तब यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके ईयरफोन से वॉइस आती है बट माइक का प्रॉब्लम जो है कि मैंने आपको बता चुका है। पबजी की जो है मैं थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो आपके सामने एक दो दिन में ले आऊँगा, वो वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यही सारे बग हैं जो फिलहाल मैंने फेस किए, इसके अलावा
यहाँ पर कोई भी मेजर बग तो नहीं है, बस मेजर बग मेरे को ये लगा माइक का जो प्रॉब्लम है। उसके अलावा छोटे मोटे बग्स हैं उन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कोई हीटिंग इशू नहीं होता, परफॉर्मेंस पे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं होता है, सो वो सारी चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं। बट माइक का इशू इज़ मेजर इशू फॉर मी, बिकॉज बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं या कुछ भी करते हो, माइक से जब वॉल्यूम कम जाएगी तो आपका जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर ख़राब हो जाता है इस पिक्सल एक्सपीरियंस के साथ। सो नाउ अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या TWRP रिकवरी होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते कैसे इंस्टॉल करना है किसी भी कस्टम रिकवरी को, उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में देखने को मिल जाएगी, सो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी में बूट कर लेना है। सो गाइस कस्टम रिकवरी में बूट करने के पास आपको यहाँ पर दो फाइल की ज़रूरत चाहिए, एक होगी आपकी वेंडर की फाइल एंड एक होगी आपकी पिक्सल एक्सपीरियंस की फाइल। सो जो भी आप यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस या पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस डाउनलोड करना चाहते हैं वो फाइल तो ज़रूरी है ही है, उसके अलावा आपको यहाँ पर वेंडर की फाइल भी चाहिए एंड दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पर आपको लेटेस्ट वेंडर की फाइल को डाउनलोड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फ़ोन में कोई भी रोम वगैरह इंस्टॉल होगी तो आपको क्या करना है, वाइप में जाना है, डेल्विक आर्टिकल कैशे, कैशे सिस्टम, वेंडर डेटा, इंटरनल स्टोरेज ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इट्स ऑन यू। सो यहाँ पर वेंडर को भी मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर नया वेंडर मैं टोटली फ्लैश कर दूंगा। सो यार ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर वाइप कर लेना है, उसके बाद आपको आना है बैक एंड आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर सबसे पहले वेंडर वाली फाइल। यहाँ पर हमारे डिवाइस की जो है ये मैंने फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंडर फर्मवेयर डॉट जिप फाइल है। सो इस फाइल को आपको फ्लैश कर देना है। सो जैसे ही ये फाइल फ्लैश हो जाएगी इसके बाद आपको रिबूट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस वाली फाइल को भी जो है फ्लैश कर देना है। सो ये दोनों फाइल फ्लैश हो जाएंगी, उसके बाद आपके फ़ोन को आपको सिंपली यहाँ पर से क्या कर लेना है, रिबूट कर लेना है एंड रिबूट के बाद आपका फ़ोन जो है नॉर्मली बूट अप होगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसके अलावा कोई भी यहाँ पर एडिशनल फाइल को फ्लैश नहीं करना है। अगर आप अपने फ़ोन को रूट करना चाहते हैं तो मैजिस वाली फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप अपने डिवाइस में यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस या पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड आपको ये सारे बग्स जो कि मे बी आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ पर डेवलपर्स इसको सुधार देंगे बिकॉज हमारे डेवलपर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं इस पर्टिकुलर फ़ोन को लेके। सो यहाँ पर मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धासू फाड़ू वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।